लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन आपके साथ। अयोध्या में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 10 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक बड़ी देवकाली मंदिर परिसर रोड पर किया गया। आज प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि एमपी अग्रवाल मंडलायुक्त ने उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया। आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुज कुमार झा जिलाधिकारी और अभिषेक आनंद मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एवं बोर्ड के सदस्य द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के सभी स्टॉलों का अवलोकन किया तथा कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करते हुए गांधी जी की मूर्ति को माला भी पहनाई। वहीं मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक हैं जितना पहले थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी आगामी 16 दिसंबर तक चलेगी तथा सभी के लिए अच्छा उत्पाद उपलब्ध कराने में भूमिका निभाएगी। वहीं शेष नारायण मिश्र सदस्य उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग स्वदेशी स्वावलंबन व आजादी का प्रतीक बताया। उन्होंने सरकार द्वारा प्रदर्शनी के आयोजन को एक अच्छा कदम बताया। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। अभी तक खादी को कुछ लोगों तक, खासतौर पर राजनीतिक लोगों तक ही माना जाता था, लेकिन खादी और साथ में ग्रामोद्योग को, ग्राम में रहने वाले जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, ये ग्रामोद्योग की एक हमारी वो है, जिससे ग्रामोद्योग से जितने भी गाँव में रहने वाले जो पलायन होता था वो पलायन रुके और ग्राम में सभी गाँव में एक हर तरह का रोजगार मिले। जैसे भी आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक चरखा हमने दिया है, अभी इलेक्ट्रॉनिक माटी के लिए पत्तल बनाने वाले, अभी दोना पत्तल वालों के लिए, प्रजापति समाज के लिए हमने माटी कला का आयोग अलग से बनाया है, तो उससे माटी कला के साथ भी और पिछड़े वर्ग, खासतौर से पिछड़े और जो गरीब तबका है जिसको हम समाज का अंतिम व्यक्ति कहते हैं, उनके उत्थान के लिए खादी लगातार प्रयत्नशील है और खादी जन जन की पोशाक बने, यही खादी ग्रामोद्योग। क्या नाम आपका? शेष नारायण मिश्र। क्या पद आपका है? मैं खादी बोर्ड का सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी का अपने अयोध्या जनपद का। मैंने बड़ा अच्छा लगा यहां पे आके, और यहां पे कई दुकानें ऐसी हैं जिनको सरकारी सहायता मिली है और जो अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकतर लोगों से हमने ये पूछा कि उनकी आमदनी कितनी है और सब अपनी अपनी आमदनी से सेटिस्फाइड हैं और डेफिनेटली सरकार की जो मंशा है खादी को बढ़ाना या ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ाना जिससे कि आम जनता को इससे डायरेक्ट लाभ हो, वो यहाँ पे मूर्त रूप से आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने हाथ से सब बना के टोपियाँ और चादरें और कपड़े, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों के माध्यम से ये हम चाहेंगे अयोध्या वासियों से भी और पूरे मंडल के सभी लोगों से कि आप लोग ज़रूर आके एक बार, नहीं भी खरीदना है तो एक बार आके देखें जरूर कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे यहाँ के गांव के लोग और कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। निश्चित तौर से इनका भी मनोबल बढ़ेगा, इनकी आमदनी भी होगी और देश की भी प्रगति होगी। प्रदर्शनी में खास क्या है? प्रदर्शनी में खास आपने देखा कि क्या खास नहीं है इसमें, आपने देखा कि मिट्टी के बर्तन भी बन रहे हैं, च्यवनप्राश भी बन रहा है, कपड़े भी बन रहे हैं, चादरें भी हैं, शॉल भी हैं, अभी आपने देखा है कश्मीर का भी एक प्रोडक्ट आया हुआ है, यहाँ पे शॉल लगा हुआ है, वहाँ से भी शॉलें आई हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा हमको देख के। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।